हेलो एवरीवन, मैं गुरमीत एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। आज हम बात करेंगे एचएसएससी के द्वारा भी 8 बड़े धमाके किए गए हैं, तो 8 भर्तियों की जो रिजल्ट लिस्ट है वो जारी कर दी गई है, उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। जैसा कि एचएसएससी चेयरमैन साहब के द्वारा हाल ही में पीछे दिनों में कहा गया था कि जैसे ही फरवरी एंड तक पहुँचोगे आपको धीरे धीरे आईटीआई इंस्ट्रक्टर और भी स्टाफ नर्स एएलएम सभी भर्तियों के रिजल्ट है साथ की साथ देखने को मिलेंगे। आपको दिल्ली ने एक दो रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे, तो आज आपको 8 भर्तियों का रिजल्ट है जो एचएसएससी के द्वारा जारी किया गया है, उसी के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे किन किन पदों का जो रिजल्ट है जारी किया गया है और कब उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, हम पूरी डिटेल में हम देखेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम नोटिस है जो ऑफिशियल नोटिस वो देख लेते हैं। यहां पर आप देख पाओगे जो पहला रिजल्ट है रिजल्ट रिटर्न एग्जामिनेशन, यहां पर आप देख पाओगे 12/2019 की ये जो कैटेगरी नंबर है एडवर्टाइज नंबर कैटेगरी नंबर 73, 73, 86, 88 और 92 का जो रिजल्ट है डिक्लेयर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पेंटर जनरल इंस्ट्रक्टर जिसकी वैकेंसियाँ 38 थी उसमें टोटल कैंडिडेट ही यहाँ पर आप देख पाओगे 6/4, 10 कैंडिडेट मिल पाए हैं वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और टोटल वैकेंसियाँ थी 38। यहाँ पर आप साफ साफ देख पाओगे कितनी इसकी जो वैकेंट पोस्टें हैं रहेंगी। यहाँ पर आप देख पाओगे कैटेगरी नंबर 37, 77 मैकेनिक्स मोटर व्हीकल इंस्ट्रक्टर टोटल 25 पोस्टें थी। यहाँ पर आप देख पाओगे जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं मैकेनिक्स डीजल इंस्ट्रक्टर की 19 वैकेंसियाँ थी। यहाँ पर आप देख सकते हो जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं एडवर्टाइज नंबर 12/2019 कैटेगरी नंबर 88 मैकेनिक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रक्टर की 12 वैकेंसियाँ थी जिसमें ओनली 3 कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए गए हैं और 92 नंबर कैटेगरी थी। यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें एक वैकेंसी है और एक ही कैंडिडेट है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। अगर बात की जाए तो इन कैंडिडेटों को जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक है जो ऑनलाइन साइट पर है जो अपलोड करने होंगे, ये देख सकते हो आज ही की डेट का ये नोटिस है 25 तारीख का। हम बात कर लेते हैं जो 5 वैकेंसियों का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है और सेकेंड नोटिस की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे रिटर्न रिजल्ट यहाँ पर सेकंड नोटिस है, इसमें 3 कैटेगरियों का जो रिजल्ट है अलग से जारी किया गया है। यहाँ पर देख पाओगे 59, 67 और 72 तीनों कैटेगरियों का साथ में रिजल्ट घोषित किया गया है। टोटल वैकेंसियाँ इसमें 11 थी। हॉस्पिटलिटी कोर्स सीनियर इंस्ट्रक्टर यहाँ पर आप देख सकते हो जो जो इस कैटेगरियों में वैकेंसियाँ थी, तो यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं 11 पोस्टों के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो ये 3 पोस्टों का यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर किया गया और इनको भी जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है 1 मार्च से लेकर 10 मार्च तक है जो साइट पर अपलोड करने होंगे, ये भी आज ही की डेट का रिजल्ट है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। बाकी बचे रिजल्ट एएलएम के और स्टाफ नर्स वगैरह उसका रिजल्ट भी आपको आजकल में देखने को मिलेगा, तो ये दोनों पीडीएफ है जो रिजल्ट की ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम की जानकारी होती है या कोई प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम होते हैं एचएसएससी वगैरह के, तो मैं वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ और कोई भी आपकी इंक्वायरी होती है तो वहाँ पर आप मेरे को पर्सनली जो मैसेज करके कोई भी इंक्वायरी पूछ सकते हो। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो को शेयर करें ताकि सभी के पास से जो जानकारी पहुँच सके। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।